इंदौर में जहरीली शराब की तलाश के लिए पुलिस खाली बोतल पर भी नजर रख रही है। इसके अलावा वह शराब सिंडिकेट गोली कांड में फरार तीसरे आरोपी हेमू ठाकुर की तलाश कर रही है। इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी के मुताबिक शराब से जुड़े हर कारोबारी पर निगाह रखी जा रही है। शराब की बोतलों पर लेवल लगाने वालों से लेकर खाली बोतल खरीदने वाले कबाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि इंदौर में शराब को लेकर आगे कोई बवाल सामने नहीं आए। एसपी ने कहा कि शराब गोलीकांड के तीसरे आरोपी हेमू ठाकुर की तलाश जोर शोर से की जा रही है। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो बोतल का, स्टिकर का और ढक्कन का। हाथों से बोतल निकलती है या कि बार से बोतल निकलती है या कि कबाड़ियों के पास जो बोतल जाती है, यदि उसकी अकाउंटिंग सही ढंग से करें तो काफी कुछ इनपुट पुलिस को मिल सकते हैं, जिसमें कि अपराध होने से पहले ही सतर्क हुआ जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बूटलेगर हैं जो अवैध शराब के उसमें रहे हैं, जिन पे 34-2 के या जहरीली शराब के मामले कायम हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं और लगातार हम लोग सभी लोग इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं।